हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप SSB, SSC, CGL या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आज हमने इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की हमारी ये वीडियो नंबर 2 है, तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें आने वाले नए वीडियोस के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। द वैली ओरिजिनली वॉज ए ह्यूज लैक, वॉट वॉज द नेम ऑफ द लैक। आपको बताना है कश्मीर की जो वैली है, कश्मीर वैली, ये पहले एक लेक हुआ करती थी, एक झील हुआ करती थी, तो इसको एंशंट टाइम्स में किस नाम से जाना जाता था कश्मीर वैली को। आज मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं रखी हैं, आज आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख लीजिए कि एंशंट टाइम्स में कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था। कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो आंसर है वो है सती सर। कश्मीर को पहले बोलते थे सती सर। सती सर का मीनिंग हो गया सेक्रेट लैक, सेक्रेट लैक या पाक पानी की जगह, जो बहुत ही पाक हो, इसको बोलते थे सती सर। विच हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको बताना है वो कौन सा हिस्टोरियन था जिसकी हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ कश्मीर के बारे में पता चलता है, यानी ज़्यादातर जो हमें मालूमात हासिल होती है वो इसी हिस्टोरियन की बुक से हमें पता चलता है। आपको बताना है कौन था वो हिस्टोरियन, उसका नाम क्या है। आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है कल्हना या कल्हन, इसको बोलते हैं। तो कल्हन एक ऐसे हिस्टोरियन है जिसकी बुक से हमें कश्मीर के बारे में या अर्ली कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। द एंशंट टेक्स्ट इन विच द प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज गिवन। आपको बताना है उस बुक या उस टेक्स्ट का नाम जिसमें कश्मीर की प्री हिस्ट्री दी हुई है। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए उस टेक्स्ट का नाम, उस बुक का नाम जिसमें कश्मीर की जो प्री हिस्ट्री है वो लिखी हुई है। आंसर देने की कोशिश करें। चलिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है नीलमत पुराना। नीलमत पुराना एक ऐसा सोर्स है जिसमें कश्मीर की प्री हिस्ट्री दी गई है और इसी को कल्हना ने भी अपना सोर्स बनाया। यहाँ पर आप ये याद रखें, कल्हना जो फेमस हिस्टोरियन है कश्मीर के, उसने भी अपनी बुक राज तरंगनी को कंप्लीट करने के लिए इसी सोर्स यानी नीलमत पुराना का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ से कल्हना अपनी राज तरंगनी में मुख्तलिफ तरह के रेफरेंसेस देते हैं। विच प्लेस डिड द ह्यूज हिस्टोरिक लेक सती सर फॉर्म इट्स बाउंड्री। आपको बताना है कश्मीर जो कि पहले एक सर हुआ करता था, एक लेक हुआ करता था, लास्ट में इसने कहाँ पर अपनी बाउंड्री बनाई, उस जगह का आपको नाम बताना है। कोशिश करें, बाउंड्री ऑफ सती सर, किस जगह लास्ट में सती सर की बाउंड्री बनी। इसका जो सही आंसर है वो है बारामूला, जो कि नॉर्थ कश्मीर में आता है और इसको वर्मुल भी हम कहते हैं। विच सेंट किल्ड द डेमोन जेलोद बोवा सो एज टू मेक पीपल सेटल इन द वैली। आपको बताना है जेलोद बोवा को किस साधु ने मारा। जेलोद बोवा
एक शैतानी ताकत थी जो कश्मीरियों पर, जो उस टाइम यहाँ रहते थे, माउंटेन्स पे रहते थे, उन पे ये जैलोद बोवा बहुत ही जुल्म करता था। तो आपको बताना है किस साधु ने जैलोद बोवा को मार दिया। क्या नाम था उस सेंट का जिसने जैलोद बोवा को मारा? कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो आंसर है वो है ऋषि कश्यप, या कश्यप भी इसको कहते हैं, या कश्यप। द अर्लिएस्ट नेम ऑफ द कश्मीर अडॉप्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द नेम ऑफ द ऋषि कश्यप वॉज। आपको बताना है पुराने जमाने में कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था, और वो नाम ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया था। तो पहले ज़माने में, अर्ली टाइम्स में, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था जो ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया था? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्या कहते थे कश्मीर को अर्लियर पीरियड में या अर्लियर टाइम्स में? कोशिश करें आंसर देने की। ये क्वेश्चंस आप आज हम प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से ले रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अर्लियर टाइम्स में कश्मीर को बोला जाता था कश्यप मार, या इसको बोला जाता था कश्यप पुरा। और ये कश्यप मार या कश्यप पुरा ऋषि कश्यप के नाम पे इसको रखा गया था। व्हाट डज द वर्ड कश्मीर मीन? आपको बताना है वर्ड कश्मीर का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ कि कश्मीर वर्ड दो वर्ड्स का मिलकर बना है। कोशिश करें आंसर देने की। चलिए जी, इसका जो सही आंसर है वो ये है कि कश्मीर वर्ड के, जिसका मतलब है वाटर, और समेरा, समीरा, जिसका मतलब है बाहर निकालना या रिमूव करना। तो इस तरह कश्मीर वर्ड का जो मीनिंग है वो हो गया वो ज़मीन जहाँ से पानी को बाहर निकाला गया हो, लैंड फ्रॉम विच वाटर इज ड्रेन्ड आउट। ये है कश्मीर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग हु विजिटेड वैली कॉल्ड द वैली एज। आपको बताना है ह्यून सिंह जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उसने कश्मीर के बारे में क्या कहा है, या कश्मीर को किस नाम से पुकारा है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर है, ह्यून सेंग ने कश्मीर को कशी मी लो कहा था। द अर्लिएस्ट नेम ऑफ द रिवर जहलिम इन संस्कृत स्क्रिप्ट्स इज। आपको बताना है संस्कृत में रिवर जहलिम को किस नाम से जाना जाता है। कोशिश करें आंसर देने की। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर जहलिम? कोशिश करें। इसका जो आंसर है, रिवर जहलिम को संस्कृत में बोला जाता था वितास्ता। द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांद्रेठन वॉज फाउंडेड बाय। आपको बताना है पांद्रेठन जो श्रीनगर से सिर्फ 4 माइल इसकी दूरी पर है, उसकी बुनियाद, फाउंडेशन किसने डाली? हु फाउंडेड सिटी पांद्रेठन? आंसर अगर पता है तो नीचे कमेंट में लिख लीजिए। कोशिश करें आंसर देने की। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है एम्परर अशोक। अशोका ने इसकी बुनियाद डाली थी। पांद्रेठन दो लफ्जों का बना हुआ है, दैट इज
पुरान एंड दिस स्थान, पुरान का मतलब हो गया ओल्ड और दिस स्थान का मतलब हो गया कैपिटल। तो पांद्रेठन जो थी वो कश्मीर की ओल्ड कैपिटल थी, ये भी आप याद रखें, ओल्ड कैपिटल ऑफ कश्मीर वाज पांद्रेठन। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि पांद्रेठन में एक टेम्पल है जिसको पांद्रेठन टेम्पल बोलते हैं, जिसको बनवाया था मीरू ने, ये याद रखें, पांद्रेठन टेम्पल को बनाया था मीरू ने, और मीरू मिनिस्टर थे किंग पार्था के, और किंग पार्था ने कश्मीर पे रूल किया है 921 से लेके, ये याद रखें, 921 से लेके 931 तक इन्होंने रूल किया है। इसके मिनिस्टर थे मीरू, और मीरू ने बनवाया है पांद्रेठन टेम्पल। हु इज ऑल्सो बिलीव टू बी समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, आपको बताना है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किस किंग को बोला जाता है। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता फर्स्ट के सन थे, किसको बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर ललितादित्य मुक्तापीद को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्क डन बाय कलहन दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कलहन की उस किताब का नाम जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है उस किताब का नाम जो कलहन ने लिखी है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, कलहन की लिखी हुई किताब का नाम जो उसने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजतरंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स कलहन्स वर्क राजतरंगनी इज डिवाइडेड। आपको बताना है राजतरंगनी जो कलहन की किताब है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कितने हिस्से हैं राजतरंगनी के, कोशिश करें आंसर देने की। इन हाउ मेनी पार्ट्स राजतरंगनी इज डिवाइडेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजतरंगनी के 8 हिस्से हैं, ये याद रखें, राजतरंगनी इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, और इसमें कुल 7,826 यानी 7,820 वर्सेस हैं, और जितने भी बुक्स हैं उन बुक्स को बोला जाता है, यानी जितने भी हिस्से हैं उन हिस्सों को बोला जाता है तरंगाज, या इनको बोला जाता है वेव्स। यहाँ पर यह भी याद रखें कि राजतरंगनी लिखी गई थी 12th सेंचुरी में, तो ये भी याद रखें राजतरंगनी कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 12th सेंचुरी में, और राजतरंगनी को लिखा गया था संस्कृत में, ये भी आप याद रखें, राजतरंगनी वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहासपुर या जिसको परिहासपुरा बोलते हैं वॉज द कैपिटल ऑफ कश्मीर इन द रीन ऑफ, आपको बताना है किस बादशाह के दौर में परिहासपुरा या परिहासपुर कैपिटल रही है कश्मीर की। आपको बताना है उस बादशाह का नाम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परिहासपुरा किस बादशाह के दौर में कश्मीर की कैपिटल रही है, ट्राई करें आंसर देने की। चलिए इसका जो आंसर है वो है किंग ललितादित्य। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, और प्लीज़ ये वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। हम कल इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।